हाय फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि टेक्सचर जो है उसको हम कैसे बनाते हैं आर्टकैम में। तो सपोज हम 12 इंच बाई 12 इंच का एक पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो इधर हम 12 इंच बाई 12 इंच ऐसे ले रहे हैं। लेने के बाद एंटर। मैं छोटा करके बना रहा हूं, पर आप इस साइज को बड़ा करके भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये पेन टूल सिलेक्ट करके पहले नोट्स ड्रॉ करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा दूर जाके फिर डबल क्लिक, फिर क्या करेंगे दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर मिडिल में आ जाएगा ये। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद ऐसे शेप टूल से सिलेक्ट करेंगे और ये जो नोट्स है इधर जाके हम कुछ नोट्स ऐड करेंगे, हो गया। फिर पूरा सिलेक्ट करके हम इसको कॉन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। फिर ऐसे एक एक छोड़ के हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और अप एरो प्रेस करके इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ओके। ठीक है, अब क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक, फिर टी प्रेस कर देंगे, मतलब ऐसे जगह पे रहे। फिर इसको कंट्रोल प्रेस करके ऊपर के तरफ ऐसे राइट क्लिक, फिर 1 2 3 ऐसे 3 बार गैप देते हैं। फिर इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और ऐसे सिलेक्ट रख के नीचे कर देंगे राइट क्लिक, 1 2 3 3 बार डाउन एरो प्रेस करेंगे। फिर इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके नीचे के तरफ रख के राइट क्लिक, फिर 1 2 3 3 बार डाउन एरो प्रेस करेंगे। फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको ऐसे नीचे के तरफ ले जाके राइट क्लिक, फिर 1 2 3 ये हो गया। अभी क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके हम बाहर रखेंगे और पूरा इसको कॉम्बाइन कर देंगे। फिर शिफ्ट प्रेस करके इस बॉक्स के ऊपर सिलेक्ट करके सी ई, देखिए ये पूरा सेंटर में चला आया, देख रहे हैं ये पूरा सेंटर में चला आया। अभी इसको पूरा सिलेक्ट करके कॉम्बाइन कर देंगे, फाइल एक्सपोर्ट, और डेस्कटॉप में जाके एक नाम दे रहा हूँ पैटर्न, फिर इसको ईपीएस में हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ओके। अभी हम आर्टकैम में जाएंगे और आर्टकैम में जाने के बाद 12 इंच बाई 12 इंच का हम पेज ले रहे थे, तो 12 इंच बाई 12 इंच का एक पेज ले रहा हूँ। लेने के बाद मिलीमीटर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, रिजोल्यूशन पूरा रख सकते हैं, थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा रखने से क्या है, स्मूथनेस ज़्यादा होगा। फिर हम ओके कर देते हैं। फिर विंडोज में जाकर टाइल वर्टिकली कर देंगे। टाइल वर्टिकली करने से क्या होगा, दोनों व्यू एक साथ में दिखेगा, 3D व्यू और 2D व्यू। फिर वेक्टर ऑप्शन में जाके इंपोर्ट करेंगे और ये पैटर्न वाला सिलेक्ट करके ओपन, ओके। अभी हमें डिसाइड करना होगा कि इसको कितना एमएम में हम बनाएंगे, उसके ऊपर सब कुछ बने रहेगा। सपोज इसको हम 10 mm या 12 mm कार्विंग करना चाहते हैं, तो पहले हमें एक काम करना होगा, सपोज हम मटेरियल 18 mm का यूज करेंगे, तो ये जो बॉक्स लिया हमने अनग्रुप करके, फिर इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर मॉडल शेप एडिटर में जाके इसके ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट करने से अच्छा होता है, ठीक है। अभी हम सीधा 18 mm ऐड कर देंगे, इधर कुछ भी नहीं दिखेगा, पर ये ऐड करने का मतलब माइनस पे हमारा कुछ रन ना हो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको कंट्रोल एक्स करके हम ऊपर का लेयर में कंट्रोल भी कर रहे, पेस्ट कर रहे हैं, फिर इसको बंद कर दिया। अभी नीचे वाला जो लाइनिंग है इसको लेके हमें काम करना है, तो इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और नीचे वाला बंद कर रहा हूँ। अभी दो करके सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये दोनों सिलेक्ट किया, फिर ज्वाइन और क्लोज कर दिया, फिर इन दोनों को ज्वाइन क्लोज, फिर ये दोनों को ज्वाइन
क्लोज, इधर भी ज्वाइन क्लोज, ज्वाइन क्लोज, ज्वाइन। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये जैसे हमने ज्वाइन और क्लोज किए हैं, अभी नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला लेयर को बंद रखेंगे। तो ऊपर दो दो लेयर लिए थे, अब ये दोनों लेयर लेंगे, जैसे ज्वाइन क्लोज, ज्वाइन क्लोज, मतलब पूरा उल्टा जो किए थे पहले उसका उल्टा करना। ये हो गया, अभी हम क्या करेंगे, ये सब एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल सी इसको बंद रखेंगे, ऊपर वाला लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, सब एक साथ हो गया। अभी एक काम करना है, ये जितने सारे हमारे पास है सबको सिलेक्ट कर लेंगे और इधर जाके इनसाइड में ऑफसेट देंगे। सपोज हम 3 mm को ऑफसेट देके एक बार देख लेते हैं, हाँ 3 mm सही है और कुछ करने का जरूरत नहीं है। अभी एक इसके ऊपर एक लेयर लेंगे, ठीक है, लेने के बाद इधर राइट क्लिक करेंगे, सेव एडिटर, फिर क्या करेंगे, ये वाला सिलेक्शन करके स्केल टू हाइट, इधर जाके हम 18 mm का मटेरियल लिए थे, तो सपोज हम 12 mm का ऐसे करना चाहते हैं, मतलब सबस्ट्रैक्ट, तो सबस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये टेक्सचर बन गया। और इसके बाद क्या करेंगे, दोनों लेयर को मर्ज कर दीजिए, फिर आप इसका डेप्थ और साइज देख सकते हैं। देखिए इधर से और इधर साइज भी देख लीजिए, देखिए 8 mm का 8 mm है, देख रहे हैं। बारह एमएम से ज्यादा ये डेप कार्विंग नहीं होगा। और दूसरी बात है, ये सब अगर थोड़ा सा स्मूथ करना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं, इसको डुप्लीकेट कर रहा हूं, दोनों ही टेक्सचर रहेगा। नीचे वाला लेयर को बंद कर दिया ये जगह पे, अब इसको थोड़ा सा स्मूथ करना चाहते हैं तो स्मूथ भी दे दीजिए, सब 6 बार अप्लाई। ठीक है, तो हम इस तरह से टेक्सचर बना के अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।